नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही इस वीडियो में आप सभी के साथ हाल ही के अंदर की एक प्रमुख खबर साझा करेंगे जो कि आप सभी के समायोजन से संबंधित है। खबर क्या है, सारी जानकारियां विस्तार पूर्वक जानेंगे, तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अब अपडेट आप सभी की स्क्रीन पर खुलकर आ चुकी है। आप सभी को अपनी स्क्रीन पर एक बैनर दिख रहा होगा, इस बैनर से आप सभी भलीभांति परिचित होंगे। चूंकि साथियों, आप सभी को 24 फरवरी को शिक्षा मित्र सम्मेलन में जाना है, ये आप सभी को पता है, जिसको लेकर के अब और तेज पहल शुरू हो गई है। पहल किस प्रकार की, दरअसल साथियों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि उमेश पांडे जी हैं, जहां पर इनके द्वारा लगातार जिलों का भ्रमण करके शिक्षा मित्रों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। ये जो तस्वीर है ये भदोही जिले की है, यानी कि आज इनके द्वारा भदोही जिले में जाकर के शिक्षा मित्रों के साथ बैठक कर उन्हें अग्रसरित करने का कार्य किया गया कि आप सभी 20 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करें। जहां की कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, फिलहाल ये बैकग्राउंड की तस्वीर है जहां पर आप यहां पर शिक्षा मित्रों को उपस्थित देख पा रहे होंगे, जहां पर शिक्षा मित्रों को इनके द्वारा प्रेरित किया गया कि आप सभी आगामी होने वाले कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करें ताकि सरकार की नजर में शिक्षा मित्रों की छवि और अच्छी हो सके। यानी कि सरकार अभी तक शिक्षा मित्रों को सरकार विरोधी समझती है, ये बातें पूरी तरह से सत्य हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार के मन में भी विश्वास जग रहा है। शिक्षा मित्रों को सरकार अब धीरे धीरे समझने का प्रयास कर रही है। हो सकता है इस 20 तारीख के सम्मेलन में अगर आपकी संख्याएं अधिक रहीं तो सरकार के मन से आप सभी के प्रति जो द्वेष भावनाएं हैं, शायद अगर द्वेष भावनाएं हैं तो वो बाहर निकल जाए। जहां पर अगर आप देखें तो उसी तरफ आपके एक प्रतिनिधि मंडल के द्वारा आज सुबह ही बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करने का कार्य किया, जहां पर इनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया। फिलहाल 20 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री जी और कौशल किशोर जी, यानी कि केंद्रीय मंत्री हैं, और ये संदीप सिंह जी हैं जो कि आप सभी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में होने वाले हैं। तो काफी ज्यादा बड़ी खबर है आपके लिए, मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को जागरूक किया जाए। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है ये कमेंट में लिखकर बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, नमस्कार।